आम ख़त्म हो गए थे तो सुबह सुबह मैंने नाश्ते में बनाना शेक बनाया है। आप में से कुछ कमेंट कर रहे थे कि ये पुरानी किताबें हैं, पहले वाली आप दिखा रहे हो, तो देखिए मैं वीडियो के एंड में आपको सारी बुक्स दिखा दूंगी। आपके कमेंट्स मैंने पढ़े, मैं कुछ तो हैरान हो गई। आप लोग कमेंट कर रहे हो, एक दो कमेंट्स थे कि बकवास बुक्स बकवास। देखिए सबका अपना इंटरेस्ट होता है, कुछ लोग होते हैं जो किताबें पढ़ना पसंद नहीं करते, उनको बिल्कुल भी शौक नहीं होता बुक्स का, तो उनको अच्छा नहीं लगता किताबें, है ना। लेकिन जो जिनको शौक है उन्होंने भी कॉमेंट किया है कि उनको पता होता है कि क्या होती हैं बुक्स, कितनी अच्छी अच्छी नॉवल्स होती हैं, कितनी पैसों में आती है, कितनी एक्सपेंसिव होती है। और आप देखिए बिल्कुल एक एक बुक बिल्कुल नई की नई रखी हुई है, इतनी अच्छे से संभाल के रखी हुई है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे ज़मीन पे रखी हुई हैं, निकाली थी मैंने सारी किताबें आपके सामने ही, है ना। इनको मैं पढ़ा करूँगी डेली, क्योंकि मैंने आपको बोला हुआ है कि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं। आप ना अकेले बैठे हो, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छी किताब लो, उसे पढ़ो, आपको सुकून मिलेगा और आप अकेला फील भी नहीं करोगे। मम्मा रोटी बनाने लग रहे हैं और ये देखिए यहाँ पर भिंडी की सब्जी बना रही हैं। तो अभी मैं बाबू को खाना खिलाऊंगी, सुबह का नाश्ता हमारा। यहाँ पर मैं अपने सुबह वाले सप्लीमेंट ले रही हूँ, एक मेरी आयरन की दवाई है, एक कैल्शियम की है और एक मिक्स्ड है। अब मैं डेली ना एक टाइम ये वाले सप्लीमेंट ले रही हूँ, आपको पता ही है अभी 3-4 दिन से मैंने शुरू किया, अब अगले 2 महीने मैं रेगुलर अपने सप्लीमेंट्स लूँगी, क्योंकि मेरे को नहीं सच में फ़र्क पड़ता है आपकी बॉडी में। कई बार क्या होता है ना, आप कहते हो ना विटामिन डी की कमी होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, क्योंकि खान पान अब हमारा बहुत ख़राब हो चुका है आजकल, हम अपनी डाइट पर ध्यान नहीं देते, फिर हमें उसको कंपेंसेट करने के लिए सप्लीमेंट्स खानी पढ़ते हैं। और ये पापा जी की वीडियो देख लीजिए, पापा जी चले गए हैं यहाँ, ये शहर छोड़ के चले गए हैं, हिसार छोड़ दिया उन्होंने, तो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा चलो जाने वाले हैं, अपना पैकिंग उन्होंने कर ली थी अपने कपड़ों की, तो मैंने सोचा थोड़ा सा उनका वीडियो ले लेते हैं। तो विहान के साथ आखिरी में जब गए तो खेलने लग रहे थे अच्छे से, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे उनके साथ, कोल्ड ड्रिंक भी लाए थे, मैं दिखाऊंगी आपको। तो इधर मैं क्या कर रही हूँ ये देखिए, अभी शायद नहीं गए थे या चले गए थे, मेरे को पीछे एक्चुअल ध्यान आ रहा, हाँ चले गए थे, उसके बाद ही मैंने ये सोफे साफ करने शुरू किए थे। एक्चुअली विहान कई बार शू शू कर देता है सोफों पे, तो वो देखो अभी फिर कर दिया, तो ना जैसे सोफे को ना बहुत गंदे से हो गए थे और मेरे को स्मेल वगैरह फील हो रही थी, तो मैंने कहा इनको मैं रगड़ रगड़ के बढ़िया तरीके से साफ कर देती हूँ। तो यही होता है ना, मेरे रूटीन में है कि मैं महीने में एक बार ना अच्छे से सोफे धोती हूँ, इनमें जैसे सर्फ लगा दिया मैंने सर्फ से पहले अच्छे से, और मैल इतना निकला मेरे सोफों में से, बहुत मिट्टी हो रखी थी बहुत ज्यादा। तो ये देखो इस तरीके से मैंने पूरा रगड़ रगड़ के पहले तो मैंने सर्फ के पानी से धोए अच्छे से और बहुत मिट्टी निकली, एकदम साफ निकल गए। एक बार तो मैंने सोचा धूप में रख देती हूँ सोफे, पर मेरे को लगा इतनी जरूरत नहीं है, अभी पंखा चलाऊंगी ना तो पंखे में ही अच्छे से सूख जाएंगे। नहीं कैश ही दे दूंगी, आप बता दीजिए कितने का हुआ। 796। इसमें से काट लीजिए। हाँ मेरे को बोल रहा है मम्मी ट्रैक्टर लाए हो, मतलब ये जो डब्बे है ना इनमें, पूछ रहा है विहान मुझसे मम्मी इसमें ट्रैक्टर है। सही में पूछ रहा था अभी, ये डब्बे आए ना मैं अंदर लेने लगी, फिर अपने आप बोलता मम्मी ट्रैक्टर लाए हो, मेरा ट्रैक्टर लाए हो। ये ऐसे पूछ रहा है मेरे से कि जरूर मेरे लिए कोई खिलौना आया होगा डब्बों में। बेटा मजाक नहीं कर रही, सच में इनमें खिलौने नहीं है, खिलौने थोड़ी है इनमें। हाँ कोई नहीं, कर दी मैं कर दूंगी साफ। ये मेरा आया है हिमालय ऑर्गेनिक विटामिन D3K2 सप्लीमेंट, बोन हेल्थ सपोर्ट, डाइटरी सप्लीमेंट। आपने कहा था ना कि आपके विटामिन D3 की कमी मिलेगी बॉडी में, आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो उसको देखते हुए मैंने मंगवाया है। मैं डेली एक टेबलेट ले लिया करूंगी इसकी, कुछ इस तरीके का है दिखने में। दूसरे डब्बे में क्या आया है, इसमें मिल गया है, ये विहान के लिए मंगवाया है मैंने, 3 से 5 साल के बच्चों के लिए होता है, विहान महीने बाद 3 का हो जाएगा, तो ये बोनविटा लिटिल चैम्प। मैं सबसे पहले तो एक्सपायरी चेक करूं, 10, 11, 23 कितने महीने हैं अभी हमारे पास, 2-3 महीने में तो वैसे हम खत्म कर देंगे इसको, है ना, 3-4 महीने का टाइम है, ये तो 2 महीने में हो जाएगा खत्म, तो एक्सपायरी तो है टाइम इसमें। एक्चुअली मैं इसको ना बोनविटा ये वाला ले रही थी, ये वाला, ये तो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, पैकेट लाती थी सैशे, मैंने इकट्ठा डब्बा मंगवा दिया बाबू के लिए। अच्छा ऐसा है दिखने में,
796 रुपए का बिल बंधा था, मैंने 800 रुपए दे दिए। एक्चुअली मेरे साथ ऐसे ही होता है, देखो खुले रुपए मेरे पास कभी भी नहीं होते, तो कभी 4 कभी 5 कभी 6 ऐसे रुपए ना एक्स्ट्रा देती रहती हूँ, क्योंकि देखो फिर भैया को मैं खड़ा भी नहीं कर सकती। खुले रुपए आज के टाइम में मेरे पास तो कभी नहीं मिलते हैं, हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मैं फिर जैसे चेंज कह देती हूँ भैया फिर आप ही रख लो, अगर नहीं है छूटे तो कोई नहीं। अब 4 रुपए मैंने भैया की तरफ छोड़ दिए। क्या है रुखा, 2 चम्मच खा गया बेटा, थोड़ा थोड़ा कर करके। मैं दूध में मिला के पिलाने के लिए लेकर आई हूँ ना आपके लिए, देखना जिद मना दी इसने तो, इसकी नजर पड़ गई कि मम्मी ने बॉर्नविटा लेके आई है। ये देखो रोना शुरू, इसको बॉर्नविटा खाना है। अब चॉकलेट तो मैं लाती नहीं घर में, अब इसको दिख गया चॉकलेट वाला टेस्ट का है ना फ्लेवर का। अब कहे जा रहे हैं वीटा दो मुझे वीटा, जिसको मैंने नहला दिया, नहला के मैंने ये कपड़े पहना दिए, ले ये ले ले खा ले। और ये कोल्ड ड्रिंक, आज पापा जी गए ना वो फिर सामान वगैरह लेके गए थे, तो लेकर आए थे कोल्ड ड्रिंक, तो यहीं छोड़ गए। तो एक तरफ तो दिल कर रहा है मेरा मैं पी लूँ, कोल्ड ड्रिंक्स मैं पीती नहीं हूँ वैसे, पर ठंडी ठंडी अच्छी भी लग रही है, मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ ना, ज्यादा तो नहीं लूंगी। मेरी है बेटा, मैं अपने लिए निकाली है। बस पी ली, आज का ये वीडियो मैंने बहुत मुश्किल से बनाया, शूट किया, एडिटिंग भी बहुत मुश्किल से किया। एक्चुअली क्या था कि विहान के साथ बैठी रही मैं आधा घंटा 40 मिनट, मुझे था कि इसको मैं सुला दूंगी बाबू को, उसके बाद ये 2 घंटे तो सोता ही है, फिर आराम से फ्री होके मैं अपना एडिटिंग कर लूँगी इस वीडियो का। बट बाबू को नींद ही नहीं आ रही, मैं बैठी रही फिर मैं परेशान होगी, मैंने कहा नई नींद ही नई बात बनेगी। फिर मैं मम्मी के घर विहान को छोड़ के आई, मैंने कहा थोड़ी देर आधे घंटे वहीं छोड़ आती हूँ, अपना एडिटिंग करते हैं। तो ये देखिए पहर का टाइम था और मैं ना अपने पौधों में गोबर डाल रही थी, गोबर के उपले। आप ही के कमेंट आया था, आपने कहा था कि निधि आप ना, जैसे मैंने बताया था अपनी प्रॉब्लम कि हर महीने 150 रुपये का खाद खरीद के लाती थी बाजार से, तो आप बोलते कि खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आपके आसपास ना गोबर के उपले तो मिल ही जाएंगे, तो आप उनको ही तोड़ के सूखे गोबर के उपले इनमें मिला दीजिए, मिट्टी में अच्छे से मिक्स कर दीजिए, फिर पानी के साथ जो न्यूट्रिशन ही पोषक तत्व ही चाहिए होते हैं ना पौधों को ग्रोथ के लिए ताकि ख़राब ना हो, वो मिल जाएंगे। तो मुझे आपका आइडिया बहुत अच्छा लगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा किसी ने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया ना, सीरियसली गोबर रख डाल सकते हैं ना। फिर मैंने मेरी मम्मी से भी पूछा, मम्मी भी कह रहे थे हाँ पुराने टाइम में गोबर ही डालते थे, तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये मैंने सारा देखो अच्छे से मैंने मिक्स करके इसमें पानी ऐड करके इसको मिट्टी के साथ अच्छे से मिला दिया ताकि अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। तो और अब मैं क्या किया करूँगी, हर 20 दिन बाद ना पौधों में इस तरीके से गोबर के उपले तोड़ तोड़ के डालती रहा करूँगी, इससे मेरे पौधे जल्दी खराब भी नहीं होंगे। और मैं अब ना पता है मौसम ऐसा, गर्मी इतनी तेज हो गई है, अब तो चाहे दिन में 2 बार पानी दे दो, चाहे सुबह भी दे दो और शाम को भी दे दो, 2 टाइम देना चाहिए। अभी मैं 1 टाइम दे रही थी, अब 2 टाइम दिया करूंगी। हाँ जी, अब मैं आपको दिखा देती हूँ, आप जो कह रहे थे ना पुरानी वाली किताबें हैं, पुरानी वाली तो ये थी, ये देखो आप जो मेरे पास नॉवल्स वगैरह रखी हुई थी, देखो इनको भी थोड़ा सा धूल मिट्टी थोड़ी सी होगी, और ये भी आधी थी, इसमें और रख डाली है मैंने, ये इतना इतनी लाइन थी, इसमें कम से कम 10 बुक्स मैंने और ऐड करी हैं। तो ये मेरा एक अलमारी का खाना था, और ये देखिए ये वाला मेरा सामने है, इसमें मेरी इतनी भरी हुई थी ये लाइन है ना, ये इसमें मेरी ये इतनी तो मेरी खरीदी हुई बुक्स थी, इसमें ये सारी बुक्स मैंने इधर रख दी हैं, देख लो सारी नई है ना। तो एक तो दिल मेरा कर रहा है, सच में कर रहा है कि मैं एक ना लाइब्रेरी बना लूँ है ना, अच्छी सी बनाऊंगी एक बार, ये यहाँ तो नहीं बन सकती, तो छोटा सा घर है। तो ये देखो
मैंने अलमारी के ऊपर रख दी है इस तरीके से। सारी क्लासिक हैं, नॉवेल्स हैं, फिक्शनल जो बुक्स होती हैं वो वाली हैं, और भी इंडियन ऑथर्स की भी हैं, सब टाइप की है, हॉरर फिक्शन कुछ भी चाहिए हो तो मतलब कमेंट करके ये तो बताइएगा ना मुझे कि आप में से किस किस को इस तरीके का जो कलेक्शन है पसंद आता है। बढ़िया, ये कैलेंडर्स रखे हुए हैं किसको दूँ समझ ही नहीं आता, इतने इसी साल के हैं फिर ये खराब जाएंगे, है ना। तो ये देखो आप, ये सारी बुक्स है मेरे पास, बहुत अच्छी अच्छी नॉवेल्स का कलेक्शन है मेरे पास। नॉवेल्स क्या, हर तरीके की बुक है, सेल्फ हेल्प बुक भी है। सेल्फ हेल्प बुक तो मैंने ही खरीदी हुई है कुछ कुछ। तो मेरा एक्चुअली पता है क्या रहता है, मैं आपको बात बताती हूँ। मैं थोड़ा सा, आप कहोगे ना जूतों के पास किताबें रखी है, मैं क्या करूँ, और कोई जगह नहीं है इसको रखने की, इसे थोड़ा सा गैप दे दिया है। देखो मैंने इधर ना, एक्चुअली पता है क्या होता है कि मेरे, मैं क्या बता रही थी किताबों के बारे में, हाँ मैं ये बोल रही थी, मेरे से ना ऑनलाइन किताबें, आप कहते हो ना आजकल तो ऑनलाइन लोग पढ़ लेते हैं, मेरे से नहीं पढ़ा जाता, मेरी आंखों में दर्द हो जाता है। मुझे ना घर रात को आराम से जैसे अपना एसी चलाया, ठंडा ठंडा सा कूलिंग करी कमरे की, उसके बाद कोई भी बुक उठा लो आराम से रिलैक्स होके, जब बाबू सो जाए तब अपनी एक बुक अच्छे से पढ़ो, स्टार्ट करो, मज़ा मतलब इंटरेस्ट लगता है इस चीज़ में, है ना। तो आपका टाइम पास भी अच्छा हो जाता है और किसी की आपको ज़रूरत भी नहीं फील होती। तो इसीलिए मैंने, मेरी आंखों में सच में दर्द हो जाता है। और ये देखो ये वाला पौधे को कल पानी दिया था, ये कोने में रख दिया ना, पता ही नहीं चलता इस पौधे को, इसको पानी रोज रोज तो नहीं जरूरत होती, इसके पौधे फूल सारे सूख गए हैं, बस इसको खाद इसको देना भूल गई मैं, बाकी तो सबको दे दिए थे, है ना। तो आपको तो समझ आ गया ना आपको कि है मेरे पास, ये देखो सारी बुक्स बहुत है, काउंटिंग करोगे ना आप काउंटिंग ही नहीं कर पाओगे, इतनी किताबें हैं देखो, काउंटिंग ही नहीं कर पाओगे अब, इतनी है, मतलब कर लोगे काउंटिंग बट थक जाओगे काउंटिंग करते करते, ये देखो। और इसमें ये वाला जो सेक्शन है हिंदी बुक्स का, ग्रह शोभा सरिता जो पहले के टाइम में लेडीज पढ़ती थी ना, ये सारा वो कलेक्शन है, ये देखो खुद लड़ी लड़ाई ये से पता नहीं क्या क्या, है ना। तो इनको मैं आज साफ करूंगी, थोड़ा धो डस्टिंग कर दूंगी, वो भी बहुत है मेरे पास, बुक्स की कमी नहीं है। यही मैं बता रही थी कि पापा जी चले गए हैं, अपने कपड़े भी लेकर गए हैं, अपना सामान भी, अपना मोबाइल फ़ोन चार्जर छोटी मोटी चीज़ें लेकर चले गए हैं। और काफ़ी जैसे आए थे ना तो जैसे जो भी सामान था मतलब काफ़ी हद तक वो भी चले ले गए हैं। तो इधर अब ऊपर का घर भी काफ़ी खुला खुला हो गया होगा, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर कौन रह रहा है, उस घर में मेरी मम्मी रहते हैं अकेले, इस घर में मैं रहती हूँ अकेली विहान के साथ, और पापा जी चले गए हैं ये शहर छोड़कर, आउट ऑफ स्टेशन चले गए हैं, है ना। तो अपडेट देनी थी आपको कि अभी पापा जी हमारे साथ नहीं हैं फिलहाल के लिए, कब आएंगे कब नहीं आएंगे नहीं पता, क्योंकि लंबा प्लान बना के गए हैं, कह रहे थे कि नया शहर है तो उसे पूरा अच्छे से घूमेंगे इंजॉय करेंगे। तो मुझे तो लगता है महीने से पहले तो नहीं आएंगे, कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है एक महीना तो रहेंगे, तो वही मैं कह रही थी। बाकी डिपेंड करता है कि विहान से मिले बिना कैसे रहेंगे, मुश्किल तो है, बट वीडियो कॉल करवा दिया करूँगी उनकी। तो अब हमारे यहाँ इन घरों में सिर्फ औरतें रह गई हैं, आदमी सब चले गए हैं तो औरतों में रह गए हैं, हाँ मेरा बेटा है आदमी ही, बच्चा है लेकिन वो तो, है ना। तो इस पूरे घर में मैं अकेली रहती हूँ अपने छोटे से बच्चे के साथ, उस घर में मेरी मम्मी रहते हैं अकेले, आना जाना ऐसे ऐसे चलता रहता है, यही है लाइफ, है ना। तो मिस तो बहुत कर रही हूँ, अभी मेरे ख्याल से 3-4 घंटे हुए हैं मेरे पापा जी को गए, और उनकी कमी अभी से फील हो रही है ना। आते थे कभी आइसक्रीम लेके आ जाते थे, ले खा लो कभी चॉकलेट, है ना, कोई बात नहीं, पुरानी वीडियो देख लूँगी जब उनकी याद आएगी, या फिर कॉल ही कर लूँगी, फ़ोन पे बात हो जाएगी। तो चलिए ठीक है, इस वीडियो का एंड करते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, दोस्तों फ्रेंड में शेयर कीजिएगा, अपना खूब सारा ध्यान भी रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।